हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी डॉट कॉम। दिस इज काजल। गाइस, आज मैं लेके आ गई हूँ ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले का अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और वहाँ से देखिए, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे। गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, मोजैक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, इज इट ट्रू और फॉल्स? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपीपी यानी ट्रिपल पी का मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, इज इट ट्रू और फॉल्स? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है, इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, यूपीआई, एनपीसीआई, यूआईडीएआई और आरबीआई तीनों द्वारा विकसित किया गया है, इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, अमेजॉन सोशल साइट का एक सटीक उदाहरण है, इज इट ट्रू और फॉल्स? टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कुंजी संयोजन यानी कंट्रोल प्लस ये जो आपका ब्रेसेस है यानी जो आपका ब्रैकेट है का प्रयोग किया जाता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज ट्रू। गाइस, सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और हम इस तरह के अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सर, चैट सर्वर, मेल सर्वर, क्लाइंट सर्वर और उपरोक्त में से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज चैट सर्वर। क्वेश्चन नंबर 9, साटा SATA का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन सर, सोशल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और ग्रुप में से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन सर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट, ये बोथ आर सेम। ओके, पेमेंट और पेमेंट्स का डिफरेंस है। सी इज इमीडिएट पेमेंट्स इंटरफेस एंड फोर्थ वन इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से रुपे डेबिट कार्ड क्या है? ऑप्शन सर, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, भारत के NPC द्वारा जारी, उपरोक्त सभी ATM और POS मशीन द्वारा स्वीकृत और उपरोक्त सभी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज टोटल एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन सर, बेसिक, फोरट्रेन, LPI और IPI, IPL यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेस लैंग्वेज और लिप्स यानी लिप्स प्रोसेसिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज LISP यानी लिप्स प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न उपकरणों में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सर, आर्ट,
design, input or neural network. Your time starts now. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज न्यूरल नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 14, ई गवर्नेंस में बी टू बी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर बिजनेस टू बैंकिंग, बिजनेस टू बिजनेस, बैंकिंग टू बिजनेस और बैंकिंग टू बैंकिंग. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज बिजनेस टू बिजनेस. गाइस हम लोगों ने ई बुक्स लॉन्च की है, कई सारे ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी है. यहाँ पे इन्होंने बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा है जो कि 69 रुपीज ऑनली है. आप जाइए एक बार इसको ट्राई करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. आपको कोई इशू हो तो कॉमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम में हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन सर 140, 180, 280 और 200. टाइम सर नाउ. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज 280. क्वेश्चन नंबर 16, लिनक्स एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 17, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, सी इज यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डी इज यूनियन आइडेंटिफिकेशन एजेंसी ऑफ इंडिया. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कंप्यूटर को यानी की आवश्यकता किसमें होती है? ऑप्शन आर लैन, मैन, इंटरनेट और उपरोक्त सभी. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं? ऑप्शन आर प्रिंटर, मेमोरी, प्रोसेसर और ALU. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज प्रोसेसर. क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? ऑप्शंस आर कैल्क, एक्सेल, लोटस और विजी कैल्क. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज कैल्क. क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस में प्रति वर्कशीट पंक्तियों यानी रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आर 1024, 10,000, 204,8576, 104,8576. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज 104,8576. गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में प्रति वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आर 256, 1024, 1000 और 10,000. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज 1024. क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में प्रति वर्कशीट सेल्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आर 1073741824 एंड 1,02,02,07317141824. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 1073741824. क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में एक सेल में अधिकतम वर्ण की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आर 256, 5.2. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑप्शन नंबर ओके यहाँ पे मेंशन नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी. यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ी दिक्कत आ गई है. ठीक है गाइस, अगर रो और कॉलम की बात करें तो 1024 और 1048576. ठीक है. क्वेश्चन नंबर
25 लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है ऑप्शंस आर 300 400 600 और 500 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्हिच इज 600 ओके गाइस जो भी सेशंस होते हैं उसके पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे टेलीग्राम आईडी सामने मेंशन है नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन पे भी उसके लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं गाइस आपने पूरे के पूरे सेशंस को देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए कॉमेंट करिए किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो इश्यू हो और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सिर्फ पीडीएफ के लिए नहीं लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी कब आपका एग्जाम है सारी चीजें कब रिजल्ट आ रहा है सारी चीजें चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ओके गाइस थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग